ये सब मैं अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन ये बात आप भी अच्छी तरह जानती हैं कि परी और हूल मेरी बचपन की सहेली। हमने बचपन से लेकर आज तक एक ही थाली में खाए और मैं मुझसे नहीं होगा। क्या जरूरत थी इतना तकल्लुफ करने की अब्बा? मना किया था मैंने, मगर आप कहां सुनते हो मेरी? हाँ बेटा, गलती है मेरी, मुझे तेरी बात मान लेनी चाहिए थी, मगर यार मैं लोगों की बातों से डर गया था। और अब्बा जी कैसी बातें कर रहे हैं? शौकत का मतलब हरगिज ये नहीं था। उनके कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि फहाद भाई अपने किसी वादे पे पूरे नहीं उतरे। सानिया ठीक कह रही है अब्बा, बड़ी मुश्किल से मैंने अपने दिल को इस रिश्ते के लिए तैयार किया था, पूर की जिद और तेरी खुशी देखते हुए। और इस वक्त भी मैं खामोश सिर्फ इसीलिए हूं कि मेरी किसी हरकत की वजह से आप लोगों को शर्मिंदगी ना हो, वरना मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं खुद अभी जाऊं उसकी माँ के पास। नहीं नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें तो बस वक्त गुजारना है। आज का दिन खैर से गुजर जाए फिर तो शादी पर ही मुलाकात होगी उनसे। बस तो फिर देर किस बात की है? आप लोग फहद भाई के साथ बैठिए जाके, पता नहीं वो हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। शुक्र करना चाहिए उसको कि मैं उससे कोई पूछताछ नहीं कर रहा। सोच रहे होंगे। अच्छा सानिया, बेटा तू एक काम कर, फटाफट खाना लगा ताकि वो जल्दी से फहद खाना खाए और अपने घर जाए। ठीक है, तो फिर मैं खाना लगा देती हूँ अब्बा जी। लेकिन वो लेकिन क्या, खाना खिलाओ ताकि चलता बने वो। शौकत मैं खाना तो लगा रही हूँ, लेकिन मैं कुछ पूछना चाह रही थी अब्बा जी। वो जो हमने जोड़े बनवाए थे हूर की सास और नंद के लिए, उनका क्या करना है? रहने दो, कोई जरूरत नहीं है बेकदरों को तोहफे तहाइफ देने की, शादी में काम आएंगे, अभी बस खाने वाने से काम चलाओ। ठीक है मैम। अब्बा जी वाह कासिमिया वाह, क्या किस्मत पाई है आपने। प्यार किया तो वो भी दबंग और मुंहफट लड़की से, और अब शादी कर रहे हैं तो वो भी वैसे ही खतरनाक हसीना से। काशी जी, काशी जी, आप क्या हर वक्त मराकबे की हालत में पाए जाते हैं? आपको लाखों आवाजें दें लेकिन आप हैं है, है, है। क्या बोल रही है नौसाबा जी, हम कौन से मराकबे में? लो जी, अब ये भी हमें बताना पड़ेगा आपको, आपकी अकल तो घास चढ़ने गई है। नौसाबा जी, अल्लाह, काशी जी आप कितने मासूम हैं, आपके भोलेपन से ना हमें इश्क होने लग गया। तौबा तौबा, आप कैसी बातें कर रही हैं हमारे साथ, आपको बिल्कुल भी लाज ना आवे? आप बातें ही ऐसी करते हैं कि हमें लाज से ज्यादा हंसी आती है आपकी बातों पर। हम तो हमेशा सीधी बात करें हैं, ये दूसरों की तरह हमें लाज लपट ना करना है। आपकी यही बात तो हमें अच्छी लगी है काशी जी, कि आप दिल के बहुत साफ हैं। आपको पता है जो लोग दिल के साफ होते हैं ना, उनके लिए इस दुनिया में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है, तभी तो हमें आपकी फिक्र रहने लगी है। हमारी फिक्र? लेकिन का है नौसाबा जी? क्योंकि हम आपकी होने वाली वो हैं, और आपकी फिक्र तो हम ही करेंगे ना। आप ये कैसी बातें कर रही हैं नौसाबा जी? क्यों, आपको अच्छी नहीं लगी? नौसाबा जी अभी हम जा रहे हैं, हम सुबह दादी के सामने आपसे बात करेंगे।
अच्छा जरा मैं भी परी की मदद कर दूं। नहीं नहीं फजीलत भाभी आप बैठे, मैं आप दोनों से बहुत जरूरी बात करूंगा। अच्छा है परी के गैर मौजूदगी में कर ली जाए। किस मुश्किल में डाल दिया तूने मुझे। हूर और परी मेरे लिए सगी बहनों की तरह है, और आज मुझे अपनी मोहब्बत पाने के लिए बहनों जैसी सहेलियों की जड़ें काटनी पड़े। क्या करूं मैं, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। सोचने का वक्त गुजर चुका, अब तो अमल का वक्त। अमल, अगर सांप को अपने सर का ताज बनाना चाहती हो तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मैं इतनी बहादुर नहीं हूं बीबी जान, अपने दिल पर पांव नहीं रख सकती, ना ही मुझ में इतना हौसला है कि मैं अपने हाथों अपनी मोहब्बत को किसी और की झोली में डाल दूं, चाहे वो परी क्यों ना हो। साथ को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ, और मैं जाऊंगी। मैं अभी अपने बेटे के लिए खाना लेकर आती हूँ, गर्मा गर्म। वो तो अच्छा हुआ मैं मरक वाले घर गई थी ना, तो उन्होंने काफी सारा खाना दे दिया। देख बहुत मजेदार बिरयानी है, नान है और कोरमा भी है, अभी लेकर आई बेटा, बस दो मिनट। शायद मामा ठीक ही कहती हैं, फजीलत चची और चुसा जान के प्रोफेशन इतने रिस्पेक्टेबल नहीं है कि मैं फखर से नजरें उठाकर उन्हें सोसाइटी में इंट्रोड्यूस करवा सकूं। और ये भी ठीक है कि आज से पहले मैंने कभी इस बात की तरफ तवज्जो ही नहीं दी, लेकिन अब मुझे सोचना होगा। मुझे वादा चाहिए कि हामिद और फजीलत इस रिश्ते के बाद अपने काम छोड़ देंगे, और वो ये बात कुरान पर हाथ रखकर कसम खा के कहेंगे। मामा ये चाहती हैं कि चाचा और चची अपना प्रोफेशन चेंज कर दें। क्या मतलब? मतलब ये कि अब तो ना चाचा धोबी का काम करेंगे और ना ही चची
इस बार तो अब्बा साहब बहुत बुरी तरह नाराज हो गए। क्या करूं, कैसे मनाऊं उसे? फोन करने का भी तो हौसला नहीं हो रहा। क्या पता ताई मैंने कुछ ना कहा उसे। नहीं नहीं, साहब ने ताई अम्मी को कुछ नहीं बताया होगा। अब उतना भी बेवकूफ़ नहीं है कि ताई अम्मा को अम्मा के बारे में बता दे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा करती हूँ, फोन कर लेती हूँ उसे। क्या होगा, सादा सादा डांट लेगा ना मुझे। ठीक है, कोई बात नहीं, खा लूँगी उसकी डांट। तो अब सारे दिन के बाद इसको याद आ गया कि मुझे भी कॉल करनी चाहिए थी। अब मैं भी नहीं सुनूंगा इसकी कोई बात। इसे भी तो पता चले कि मैं कितना हर्ट हुआ हूं चची जान की इस हरकत से। अरे भाई फजीलत, अरे भाई परी जी, चाय लाऊं आपके लिए? हाँ फजीलत ले आओ। अच्छा ये परी कहाँ है? वो सेन में सफाई वगैरह देख रही। अच्छा अच्छा अच्छा, कौन 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 है भाई? अस्सलाम वालेकुम। आए ना ताई अबू। वालेकुम सलाम। जीती रहो जीती रहो। आए प्लीज, आए आए ताई अबू। अरे भाईजान आए, ताई अबू आए। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अरे वालेकुम अस्सलाम भाईजान, कैसे हो? कैसे हो भाभी, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बैठे ना भाईजान, बैठिए बैठिए। आप लोग मुझे इतनी हैरत से क्यों देख रहे हैं? मैं यहाँ नहीं आ सकता क्या? क्यों नहीं भाईजान, क्यों नहीं? अब्बा भाई परी, नाश्ता तो लेके आओ ना भाईजान के लिए। अरे पहले भाईजान से तो पूछ रहे हैं कि ये हमारा गरीबाना नाश्ता करेंगे भी या नहीं। भाभी ऐसा मत कहें, इसी तरह का नाश्ता करके मैं और हामिद बड़े हुए हैं। क्यों हामिद, याद है ना अम्मा के हाथ के लच्छेदार पराठे, खस्ता पराठे, उसके साथ अचार, एक बड़े से प्याले में भर कर चाय। क्या खूबसूरत दिन थे यार। लेकिन भाईजान वो दिन अब आ नहीं सकते। लेकिन हम उन्हें याद तो कर सकते हैं ना हामिद। साथ बता रहा था कि परी जो है बिल्कुल अम्मा की तरह नाश्ते बनाती है, लच्छेदार पराठे, खस्ता पराठे। जी परी के बाबा भी यही कहते हैं कि परी के हाथ में बिल्कुल अपनी दादी जैसा जायका। हाँ तो फिर आज हम अपनी बेटी के हाथ का बना हुआ नाश्ता करेंगे और अपनी अम्मा को याद करें। क्यों परी बेटा, बनाओगी ना अपने ताई अब्बा के लिए नाश्ता? जी ताई अबू, क्यों नहीं बनाऊंगी मैं।
अभी बना कर लाती हूँ। अच्छा जरा मैं भी परी की मदद कर दूँ। नहीं नहीं फजीलत भाभी आप बैठे, मैं आप दोनों से बहुत जरूरी बात करूंगा। अच्छा है परी के गैर मौजूदगी में कर ली जाए। इस दर्द के पास से मुझे बहुत डर लगता है। नाश्ता मैं अंदर ही कर लूंगा। कमाल है भाई, लतीफ साहब को भी डर लगता है, वो भी एक जाओ बेटा, कितना दिन चढ़ाया है, देखो तो सही, कब तक सोती रहोगी? क्या है अम्मी, सोने देना, और मुझे कौन सा कॉलेज जाना है? आए हाय, अगर कॉलेज नहीं भी जाना तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम सारा दिन बिस्तर पर पड़ी रहोगी। और कब तक मेरी बूढ़ी हड्डियां घिसती रहेंगी काम कर करके, थक गई हूं मैं। क्या कहा आपने, कौन से इतने काम करती हैं जो आपकी बूढ़ी हड्डियां घिसने लग जाती? कमाल, दो लोग रहते हैं इस घर में और आप ऐसे शोर डाल रही हैं जैसे पूरे मोहल्ले का खाना इस घर में बनता है। मैं देख रही हूँ नूर, आजकल तुम बहुत ऊंची हवाओं में उड़ रही हो, महलों और बंगलों के ख्वाब देख रही हो। मैं तुम्हें बार बार समझा रही हूँ, बाज आ जाओ, अपने पैर जमीन पर टिका के रखो, वरना ये हवाएं तुम्हें उड़ाकर कहीं दूर ले जाएंगी। जमीन पर टिका कौन रहना चाहते हैं अम्मा? मैं तो चाहती हूं कि ये हवाएं मुझे सचमुच यहां से कहीं दूर उड़ाकर ले जाएं। इतना दूर कि इस गुर्बत ज़्यादा माजी का साया भी मुझ पर ना पड़ सके। इसे घूर घूर कर देखने की क्या जरूरत है? आप मुझे मेरे ख्वाबों से 1000 मर्तबा डरा चुके हैं और मैं आपको 1,00,000 मर्तबा कह चुकी हूं कि मैं अपने ख्वाबों से दस्तबरदार नहीं हो सकती, क्योंकि इन ख्वाबों की उंगली पकड़कर मैं बहुत दूर जा चुकी हूं, बहुत दूर। ऐसे क्यों खड़े हो तीफे, नाश्ता करो। नहीं मुझे भूख नहीं है, बाहर ही कर लूंगा। क्यों,
जब घर में बनाए तो बाहर करने की क्या जरूरत। आओ करो नाश्ता। बुध बन के क्यों खड़े हो? फिर कहोगे कि पराठे ठंडे हो गए। नहीं, मैं यहाँ नहीं बैठ रहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अपने ही घर में कोई डरता है भला? भानो, इस दर्द के पास से मुझे बहुत डर लगता है। नाश्ता मैं अंदर ही कर लूंगा। कमाल है भाई, लतीफ साहब को भी डर लगता है, वो भी एक तुम बाज नहीं आए ना अपनी हरकतों से। लगता है कल रात की सजा काफी नहीं है। क्या ये सब कैसे मुमकिन है भाईजान? क्यों मुमकिन नहीं मेरे भाई? देखिए भाईजान, आपकी सब बातें सर आंखों पर, लेकिन जो ये भाभी की शर्तें हैं ना, बहुत अजीब सी है। मेरा भी यही ख्याल है भाईजान। इसमें अजीब क्या है फजीलत? साइका भाभी चाहती हैं कि हम अपनी रोजी रोटी पर लात मार दें और अपने अच्छे भले चलते काम को छोड़ दें। तो इसमें हर्ज क्या है? ये आप कह रहे हैं भाईजान, आप जानते हैं हमने कितनी मुश्किलों से, कितने धक्के खाने के बाद पैर जमाए हैं। और भाभी ये चाह रही हैं कि हम फिर से बेरोजगार हो जाएं। आप दोनों मेरी बात समझ नहीं पा रहे। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमें अपने बच्चों की खुशी के लिए ये कदम उठाना पड़ेगा। हामिद, तुम लॉन्ड्री का काम छोड़ दो और भाभी आप कहीं नहीं जाएंगे, घर में रहेंगे और अपने बेटे की शादी की तैयारी करेंगे। तो फिर इसके बाद क्या होगा? हम काम छोड़कर बैठ जाएंगे, बेटी भी आकर आप ले जाएंगे, तो हम दोनों का गुजारा कैसे होगा? फजीलत, आप परेशान क्यों हो रही हैं? मैं अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ूंगा। इसके लिए एक अच्छे और बाइज्जत रोजगार का बंदोबस्त करूंगा। क्यों परेशान हो रही आप? तो आपको क्या लगता है इनकी खुदारी इस बात की इजाजत देगी? और जब साइका भाभी को पता चलेगा तो वो हमारी बच्ची को चैन से नहीं छीने देंगी। देखो फजीलत, मैं तुम लोगों को अकेले नहीं छोड़ूंगा, मैंने बंदोबस्त कर लिया है, अच्छा एक रोजगार दे दूंगा और ये घर पे रहेंगे, अपने बच्चों की खुशियां देखेंगे। तो फिर क्या बात हुई उनकी? कैसी बात? भाई बाबा ने चाचा और चाची से कुछ तो बात की होगी ना? पता नहीं, मैं तो नाश्ता बनाने चली गई थी, तायबू की फरमाइश पर अंडा पराठा और चाय। रियाज भाई, सिद्दीक भाई, कामरान भाई, इनकी फैमिली तो हो गई, सही है। ठीक है, कामरान अफराज और ये अमीर भाई लोग भी हो गए। बस करे ना अब्बा, कितना नाम लिखवाएंगे, सारा सफा भर गया, इतनी लंबी लिस्ट। अरे अभी कहाँ इतनी लंबी लिस्ट हुई है, अभी तो सिर्फ खानदान वाले हुए, मोहल्ले वाले तो भी रह गए ना अब्बा जी। बस कर दे, इतने लोगों को बुला रहे, कोई नहीं आता शादी में अब्बा जी। अबे बेटा ऐसे नहीं होता, देखो वो लोग भी तो हमें बुलाते हैं ना।
और फिर हमारा फर्ज बनता है कि हम उन्हें अपनी खुशियों में शामिल करें, क्यों? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप अब्बा जी, वैसे भी हमारे घर की पहली और आखिरी खुशी है, इसलिए धूमधाम से तो मनानी बनती है। चले ठीक है, आप जैसे बोले, आप नाम लिखवाते जाएं और हम लिखते जाएंगे। अब्बा ले भाई, शादी के कार्ड आ गए हैं। माशाल्लाह, दिखाएं? नहीं पहले मैं देखूंगी। दिखाओ ना ये फोन। ये देखिए अब्बा, माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम्हारा नाम भी लिखवाया है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने हमारे घर में ये खुशियां दिखाई। बस करो भाई, कोई इमोशनल सीन नहीं हो रहा। ये काम खत्म करें, आगे बहुत ढेर सारे और काम पड़े। अब्बा इतने सारे कार्ड हैं और गिनती के दिन रह गए हैं शादी में, कैसे बटेंगे ये? हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, जो इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा। अरे नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं है बेटा। देखो एक काम करते हैं भाई, काम बांट लो, महल्ले वालों को जो है ना वो सानिया कार्ड दे देगी, आजकल में निमटा देगी, और बाकी रह जाएंगे रिश्तेदार, तो उनको शौक आ जाकर दे आएगा, क्यों? ठीक है ना? ठीक। अब्बा जी बन्नो आपा को तो बुला ले। अरे भैया उन्हें ना भूलना, वो तो बड़ी फसाद की जड़ है, अगर उन्हें नहीं बुलाया ना तो समझो शादी दलपट। ठीक है, बहुत खूबसूरत कार्ड। अब्बा जी मैं चाह रही हूँ कि लगता है साथ ने कुछ नहीं बताया था अबू को, वरना उनकी बातों से कुछ ना कुछ तो अंदाजा हो ही जाता। और ये एक अंडे पराठे का इनाम तो हरगिज नहीं हो सकता, एक पराठा एक ऑमलेट और एक कप चाय ही तो बनाई थी। हेलो साथ, तुम्हें पता है ताया अबू आए थे, वो भी सुबह सुबह। तो फिर क्या बात हुई उनकी? कैसी बात भाई, बाबा ने चाचा और चाची से कुछ तो बात की होगी ना? पता नहीं, मैं तो नाश्ता बनाने चली गई थी, तायबू की फरमाइश पर अंडा पराठा और चाय। अच्छा तो इसका मतलब है कि उनकी तो लॉटरी लग गई, तुम्हारे हाथ का अंडा पराठा जो खाने को मिला होगा। की ऐश का तो पता नहीं, लेकिन उन्होंने ना सुबह ही सुबह मेरी ऐश करवा दी, पता है इनाम के तौर पर ढेर सारे पैसे देकर गए। अच्छा दैट्स ग्रेट, तो फिर तुम ऐसा करना, तुम उन्हीं पैसों से अपनी शॉपिंग कर लेना। मैं ले जाऊंगा नूर और हूर को। जी नहीं, शॉपिंग अगर मैं करूंगी ना तो सिर्फ तुम्हारे पैसों से, आई समझ तुम्हें? अच्छा अच्छा ओके, कर लेना जो दिल चाहे वो ले लेना। ओके लेकिन ये तो बता दो लेकर कब जाओगे हमें? ओ हाँ, मैं इसीलिए कॉल कर रहा था। एक्चुअली हूर को कॉल की मैंने, वो फोन नहीं पिक कर रही थी, इसलिए तुम्हें कॉल की। तुम नूर को लेके उसके घर पहुंच जाओ, मैं आ जाऊंगा फिर चारों चलेंगे शॉपिंग। हाँ हाँ चलो ठीक है, मैं चली जाऊंगी, तुम परेशान मत हो, और नूर को भी साथ ले जाऊंगी। ठीक है लेकिन तुम टाइम से आ जाना, ऐसा ना हो कि मैं इंतजार करती रह जाऊं। हाँ तो फजीलत फिर क्या कहती हो तुम? मैं क्या कहूँ परी के पापा, मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा है। इसमें समझ में ना आने वाली कौन सी बात है? अरे भाईजान बता तो रहे थे कि इसी बात की तो परेशानी है, भाईजान ने कहा है कि वो हमें पूरी तरह सपोर्ट करेंगे, और मैं मानती हूँ कि वो कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ेंगे, लेकिन लेकिन क्या? अरे जब तुम मानती हो तो फिर ये लेकिन बेकिन और अगर मगर क्यों की जा रही हो? करना पड़ता है, आप साइका भाभी को नहीं जानते, भाईजान लाख छुपाने की कोशिश करें लेकिन जैसे ही आप किसी अच्छी और बाइज्जत रोजगार पर लगेंगे, साइका भाभी को फौरन शक हो जाएगा, और वो अपने तरीके से भाईजान से सच उगलवा के रहेंगी, फिर सोचे कि वो हमारी बेटी के साथ क्या करेंगी। डर तो मुझे भी इसी बात का है फजीलत, लेकिन जब मैं दूसरी तरफ देखता हूं तो
सात से अच्छा बर और भाईजान के घर से अच्छा घर मेरी बेटी को नहीं मिल सकता। कह तो आप बिल्कुल ठीक रहे कि बस यही एक बात मुझे भी उलझाई जा रही। अच्छा छोड़ो, अब ये सोचने और उलझने से कोई फायदा नहीं। हम भाईजान को हाँ कह चुके हैं और हो सकता है कि भाईजान ने भाभी को बता दिया हो अब तक के हमें सब शर्तें मंजूर हैं। ठीक कह रहे हैं परी के बाबा, मैंने तो अब सब कुछ तकदीर पर छोड़ दिया, अब जो भी होगा देखा जाएगा। चले मैं चाय बना कर लाती हूँ, अब कौन सा लॉन्ड्री जाने की जल्दी है। जितना ऊंचा उड़ना चाहती हो ना परी, उड़ लो। मैंने भी अगर तुम्हारे पर ना काटे तो मेरा नाम भी नूर नहीं। बहुत खूबसूरत कार्ड है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि शौके भाई इतना महंगा कार्ड बनवा सकते हैं। यार आपस की बात है, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था। बिला आखिर शौके भाई की भी मोहब्बत सामने आ गई। मोहब्बत चीज ही ऐसी है, अपना रंग दिखाकर ही रहती है। शौके भाई की मोहब्बत की बात हो रही है, फहद की नहीं। जरूरी तो नहीं कि मोहब्बत का एक ही रंग हो, मोहब्बत तो माँ बाप से भी की जाती है, बहन भाइयों से, और बचपन के दोस्तों में भी तो मोहब्बत होती है ना। अच्छा छोड़ो अब ये सब बातें, तुम तो सीरियस ही हो गए। ये बताओ कि साथ कब आ रहा है, और वो आएगा भी या हमेशा की तरह हमें इंतजार करवाएगा। हाँ यार परी, साथ को बोलो ना कि आ जाए, क्या मसला है उसके साथ यार। अगर वो आज नहीं आया ना तो फिर मैं उसके साथ क्या किसी के साथ भी बाहर नहीं जा सकूंगी। भाभी ने मुझे सख्ती से कहा है कि वो मुझे कल माइयों बिठा देंगी, और उसके बाद मेरा घर से निकलना बंद। क्या मतलब है, तू पॉलर नहीं जाएगी? पॉलर तो मैं जाऊंगी, और वैसे मैं तुम लोगों को बताना भूल गई, फहद ने इस शहर का सबसे महंगा और सबसे बड़ा पॉलर करवाया मेरे लिए। क्या बात है भाई, फहद पे तो तुमने अभी से अपना जादू चला दिया, शादी से पहले ही गुलाम बना लिया तुमने अपना। गुलाम क्यों नहीं बनेंगे, खूर से जो शादी हो गई। बस रब ही जाने, जिन्ना सी प्यार मैं कीता तू हद की जाने, की हाल होया इस दिल दा बस रब ही जाने, जिन्ना सी प्यार मैं कीता तू हद की जाने। मेरे नैणा विच वसया अखियां दा पानी हसया, मेरे जितना ऊंचा उड़ना चाहती हो ना परी, उड़ लो। मैंने भी अगर तुम्हारे पर ना काटे तो मेरा नाम भी नूर नहीं। बाहर खड़ी बात करें, ये वाला देख कैसा है? बहुत खूबसूरत है फहद, बस ठीक है यही वाला ले लेते हैं। हाँ
इतना खास डिजाइन नहीं है इसका। क्यों? इतना अच्छा तो है और ये तो मेरे ड्रेस के साथ भी जाएगा, है ना? अरे कोई ड्रेस के साथ नहीं जाएगा तुम्हारे, इतना खास ही नहीं। स्पेशल तो वो है जो मैंने अपने फैमिली ज्वेलर से बनाया, सिर्फ तुम्हारे लिए। सच्ची? मुझे फहद मजाक नहीं करो ना, सही सही। अरे हाँ बाबा, झूठ नहीं बोल रहा, सच्ची। चलें? अच्छा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। इतनी देर से आई, कोई आया हुआ था क्या? जी बीबी जान, आपको तो सब कुछ पहले से ही पता चल जाता है। मानती हो, अपने मिलने वालों की सारी खबर रखती हूँ। जी जी, वो तो मैं पहले ही मानती हूँ। ये बताओ कौन आया था? वो भाईजन आए थे हमारी परी के लिए अपने साथ का रिश्ता लेकर। क्या जवाब दिया तुमने? क्या जवाब देना था बीबी, जब बेटियों के सुनहरे मुस्तकबिल की बात हो तो हाँ के सिवा क्या जवाब हो सकता है भला? इसका मतलब तुम मुर्दे नहीं नहलाओगी, ना तुम्हारा शौहर कपड़े धोएगा। ठीक कह रही हैं आप, अब हमें अपनी बेटी के बेहतर मुस्तकबिल के लिए जो भी करना पड़ा वो हम करेंगे। तुम मेरे लिए काम नहीं करोगी? कैसे कर सकती हूँ बीबी, जब मुर्दे ही नहीं नहलाऊंगी तो भला आपके काम की चीजें मैं आपको कैसे ला कर दे सकती हूँ? आप खुद ही बताएं मुझे। मुझे एहसास दिलाया है कि मैंने अपनी जिंदगी के 12 साल तुम्हारे साथ बर्बाद किए हैं। 12 साल गुजारने के बावजूद आज भी नामुराद हो, और जब तक तुम रहोगी ना ऐसे ही रहेगा।